फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा। हाँ बजट में हम प्रावधान जो ये करते हैं कि किस तरीके से हम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, बजट में हमारी नीतियां ऐसी होगी जिससे कि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और अधिक से अधिक विदेशी निवेश भारत में आए, ठीक है, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक नई तकनीक भारत में, मतलब भारत से मतलब मेरा किसी भी देश में एक नई तकनीक आ, ठीक है, और उस नई तकनीक से उत्पादकता बढ़ती है और जब उत्पादकता बढ़ती है तो लोगों की आय भी बढ़ती है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन किसी का था इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है, जब मैं निकल रहा था तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है आप किसी भी किताब से उठाए पढ़ लो, गया तीन बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम चलाए, एक कैपिटलिज्म, ठीक है, एक सोशलिज्म और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके फाइन। एंड सी थोड़ा सा अगर हम टेक्स्ट बुक के बाहर की बात करें तो आपके लेवल पे तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कोई सिस्टम होता है, इट इज अ ट्रांजिशन इकोनॉमी, इधर एक या तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में मूव कर जाएगी या तो सोशलिस्ट सिस्टम में मूव कर जाएगी, ठीक है। हाँ हम शुरुआत कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि कल किसी ने बोला कि जो भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है जो सब कुछ बेच देगी तो क्या होगा, ठीक है, तो हमने शुरुआत की मिक्स इकोनॉमी से ना हो गया, अब हम जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम की जो बेसिस होती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का पता होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि जो मूल प्रश्न है अर्थशास्त्र, ठीक है, वो तीन है। अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसा नहीं, ये नहीं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस का कैसे हम एलोकेशन करें, ठीक है, उसमें ये आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, ठीक है। दूसरा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम कैसे बढ़ाएं, जैसे कि पहले हमारे पास ईंधन के स्रोत हुआ करते थे पेट्रोल और डीजल, आज सीएनजी है और विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और अदर थिंग, ठीक है। फिर पूर्ण रोजगार, तो इन तीन ही चीजों पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम करते हैं, तो आपको कोई किताब देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि जो है दोनों में एक जो फंडामेंटल डिफरेंस कीमत किया था उल्लेख किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से हेलो इधर इसे तो बॉय और ड्रॉप का और एक और हेलो इवन आज तो हमारे बाय बिकॉज़ यू विल गेट इट इवन आज शेयर विद दिस विद आवर आई गो बाय जैसा कल मैंने बताया था जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक तरह से गवर्नमेंट का कंजम्पशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो या तो गवर्नमेंट के लायबिलिटी को कम करता है या तो उसके एसेट्स को बढ़ाता है। जैसा किसी ने कहा कि अगर सरकार ने कोई पुल का निर्माण कर दिया या किसी हाईवे का निर्माण कर दिया या कोई अस्पताल बनवा दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक सरकार के एसेट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे सरकार ने जो है कोई विभाग बनाया, ठीक है, ये लैंड एक्सपेंडिचर और नॉन लैंड एक्सपेंडिचर को कम करने का मुख्य कारण यही, ठीक है, कि वंस एक बार जो लैंड एक्सपेंडिचर है उसको बनाए रखने के लिए फिर आपको नॉन लैंड एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने लैंड एक्सपेंडिचर की एज की स्थापना कर दी, ठीक है, लेकिन जब वो एज का स्थापना तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब वहां के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी पड़ेगी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा,
ठीक है ओके। तो यहाँ पे बता रहा हूँ डिस्कस किया था कि दैट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं। अब बात करते हैं जो आपके मतलब की चीज है कि अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में तीन चीज हो रिलेशनशिप, तीन तरीके की रिलेशनशिप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में हो सकती है। आप देख रहे होंगे एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अधिक हो सकता है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर हो सकता है, तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो सकता है। तो हम कभी भी नॉर्मली सामान्य परिस्थितियों में अभी आ सकते हैं ऐसा मेरी जानकारी के बाद कि रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से अधिक हो माने कि सरप्लस हो जाएगा हमेशा जो है वो तो कितने तरीके के डेफिसिट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप लोगों ने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, ये हर बजट में स्टॉप की आती है, ठीक है। तो जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव्स, ठीक है, कि हमारी रेवेन्यू रिसीव्स कितनी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, ठीक है भाई। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, हर बजट में बात करोगे हर बजट में देखोगे तो गवर्नमेंट इसको राजकोषीय घाटे ना तो वो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेगी, ना तो प्राइमरी डेफिसिट की बात करेगी, ना तो जो है बजट डेफिसिट किसमें बात करेगी राजकोषीय घाटे कि हमारा राजकोषीय घाटा इतना प्रतिशत है। जब हम कहते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2.3% है, व्हाट इट मींस पहले सुनो, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार की देनदारियों को बताता है कि उसकी लायबिलिटीज क्या है, इंडेबटनेस मतलब कितना सरकार ऋण में है, तो अगर हमने कहा कि राजकोषीय घाटा 2.3% है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे जीडीपी का 2.3% गवर्नमेंट इज इधर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इट्स लायबिलिटी। रियल पॉइंट आप देखो तो उसके साथ एक और वर्ड जुड़ा है 2.3%। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो सापेक्ष वैल्यू किसके सापेक्ष है, कहां से दो किसका 2.3% किसका 2.3% 100 रुपए का 2.3% या 200 रुपए का। तो बात जो आती है इसमें जब हमने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की अभी इस बजट में उसका उल्लेख था, ठीक है, तो एक नया एक्ट आएगा मेन आपको फिस्कल डेफिसिट समझना है, ठीक है, अभी मोनेटाइज डेफिसिट में बता दूंगा, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो जो मेन चीज पूछी जाती है वो फिस्कल डेफिसिट पे पूछी जाती है, राजकोषीय घाटे पे, वो जो है प्राइमरी डेफिसिट बजट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं करता, ठीक है। Most important thing is the fiscal deficit, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं 2.3% जो है fiscal deficit है यानी कि गवर्नमेंट का जो liability है वो 2.3% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या आवर्ती वो जा रहा है, मैं आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव, जैसे कल किसी ने कहा कि सरकार जो है LIC में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है, तो मैं कहा प्रॉब्लम डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन में नहीं है क्योंकि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ऑल टाइम हाई है, इट इज ऑल टाइम हाई। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस की जरूरत है, तो जो पैसा मार्केट से जनरेट कर रहे हैं
वो किस मद में खर्च कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया और उस 1 लाख रुपए जो आपने लोन लिया अगर उसको आप कंज्यूम कर गया, मतलब अपने खर्चे कर लिए, घर में टीवी फ्रिज और ये सब खरीदी, ठीक है, तो क्या आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोन की रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उस 1 लाख से आपने अपने बिजनेस में अपने व्यवसाय में पैसा लगाया जिससे कि आपकी आय में वृद्धि होगी, ठीक है, तब आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो बात तो कल होगी जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन उठाया था कि प्रॉब्लम डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से नहीं है, जो हमने कैपिटल रिसीव्स में बात की थी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिसीव्स का एक हिस्सा है, प्रॉब्लम उसे प्रॉब्लम यह है कि वो खर्च कहां पर होगा। क्या जो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव दिया कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर खत्म करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो हेड लगा, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में खर्च हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च हो रहा है, तो अनडाउटली हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत पहले इसलिए ये जो हम हमेशा याद रखेगा अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और 1997 में नई आर्थिक नीति लाई गई तो उस समय हमारा राजकोषीय घाटा करीब करीब डबल डिजिट में था और इन्फ्लेशन भी करीब करीब डबल डिजिट में था, ठीक है। तो ये लगा गया जैसे कि अभी कुछ साल पहले भी सरकार ने कहा कि जो है सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करना चाहिए और ये करना चाहिए, इस तरीके से सभी बहुत आया था कि जैसे इकोनॉमिक क्लास या कैडर क्लास अगर आपको रखा हुआ कुछ कम, ठीक है, वो इसी का ऐसा है कि किस तरीके से सरकार अगर अपनी आय को नहीं बढ़ा सकती, सरकार अगर अपने आय को नहीं बढ़ा सकती है तो कम से कम खर्चों में तो कटौती कर सकती है। वो खर्चे कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ यस लोन और टैक्स जो अलग थी, लोन हमेशा लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, हाँ क्या आप मैं समझ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हमने जो है एक एम सुना है तो कैपिटल एक्सपेंडिशन आ गया, अब उससे जो हमको आय मिलेगी वो जो है हमको कैपिटल रिसीव मिलेगी, नहीं गाइडिंग की फीस एम्स में जो सर्विस देगा क्या देगा, फीस देगा, ठीक है। दूसरी चीज चुनाव और लाल किया जाएगा, जैसे हमने एक फर्टिलाइजर का कारखाना लगा दिया, जैसे गोरखपुर में जो है 2 साल पहले फर्टिलाइजर कारखाने की शुरुआत हुई थी, आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए, ये सब आपके टिप्स होना चाहिए, ठीक है। अब वो फर्टिलाइजर कारखाना अगर लाभ अर्जित करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सार्वजनिक उपक्रम है, वो क्या है पब्लिक एंटरप्राइज है, लाभ शब्द तो सही नहीं होता, ठीक है, सरप्लस, तो अगर वो सरप्लस अर्न करेगा किसमें आएगा, रेवेन्यू रिसीव आएगा, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव, एक बात हमेशा याद है कैपिटल और रेवेन्यू दो चीजों में लायबिलिटी और एसेट का वो होता है अकाउंट में, किसका लायबिलिटी और एसेट, जैसे अगर कैपिटल रिसीव है, कैपिटल रिसीव में क्या हमने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो पैसा तो मेरे पास आ गया लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसीव डिसइन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, विनिवेश कर दिया, पैसा हमारे पास आ गया लेकिन हमारे एसेट क्या है कम, तो
अभी इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, आपकी सर्वेक्षण है, इसके बाद में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि वो कैपिटल रिसीव्स में बदल सकता है, और जो कैपिटल रिसीव्स है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बदल सकती है, कैसे? जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 मान लो 2021-22 में सरकार ने पब्लिक बॉन्ड खरीदे, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या किसान विकास पत्र है, कुछ भी है, एनी गवर्नमेंट एक्सचेंज बॉन्ड, वो जाएगी इस वित्त वर्ष में सरकार को क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये जो किताब है कल आपको बताएगी ना लाल वाला, उसमें इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसे चीजें कि उसके तरीके क्या है, ठीक है, मैं उस पर आता हूं। तो जब वो मैच्योर होगा, तो जब गवर्नमेंट सही पेमेंट करेगी तो क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दैट इज बिकम एक्सपेंडिचर। तो जरूरी जो चीज आज रिसीप्ट में है वो आएगी कल रिसीप्ट में, और जो चीज आज एक्सपेंडिचर में है वो कल ही एक्सपेंडिचर में, ठीक है, ठीक है। एक तो हमको मिल भी सकता है और एक हम दे, बात कर समझो, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ लो, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पेमेंट दो तरीके, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, एन एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट लाइक सब्सिडी, सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी समझते हो, ये बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सब्सिडी, क्या होता है, लेकिन अगर मान लो आपसे मैं ये कहूँ कि दो नंबर का सवाल है, डिफरेंस सब्सिडी, बात आप मुझ तक पहुंच रही है, आप जो कहना चाह रहे हो बात मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि आप जो है किसी विशेष परीक्षा के लिए कर रहे हो, बात समझ आ रही है, नो रिलैक्सेशन इज समथिंग एल्स, रिलैक्सेशन इज समथिंग एल्स, लाइक से फॉर एग्जांपल, आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ सेट अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एनी इंडस्ट्रियल एरिया एंड द गवर्नमेंट हैज गिवन अ टैक्स हॉलिडे, दैट इज रिलैक्सेशन, दैट इज नॉट समथिंग, गॉट इट, द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड द स्टैंप ड्यूटी फॉर गेटिंग द लैंड रजिस्टर, the government wants to attract the industries to come and establish, like the best example for this is, you know, the Baddi in Himachal Pradesh, the hub of pharmaceutical, the government has given a lot of incentives, the government has given a, so that is a relaxation, there is a fundamental difference between the relaxation and the subsidy, you cannot use that as a synonym, is that clear to you? Again, we see something else. See, I have taken an example of investment. Relaxation may be for any other, like in this COVID period, a lot of relaxation has been given. Okay. What is an average? See, again, I'm coming to that point only the subsidy. I'm coming to that one. The subsidy. This is the most important part of the budget. So, what's our budget then? Kaisa kar rahe hain? Subsidy sarkar ne bahaya. Subsidy sarkar ne bahaya. So, subsidy aapki hai kya? Malum sabko. Aisa koi nahi baitha hai. Yes. Subsidy is the government giving to the Not on petrol, there is no subsidy. On petrol,
जब भी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है। ओके, एक तो मैं ये कह रहा हूँ अभी जो मैंने इनसे बात और सब्सिडी में बहुत मजा आता है। प्लीज सर, procurement price minus selling cost. I have not used the word price. Procurement price minus selling cost is subsidy. Procurement price. सरकार ने 100 रुपए में कोई चीज को खरीदा और 80 रुपए में उसको बेच दिया। Procurement price क्या है? What is the procurement price of the government? Government procurement price क्या है? 100 रुपए। और selling cost, मैंने price की बात नहीं की। तो सब्सिडी कितने की हो गई? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, प्रोक्योरमेंट प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट इन अ सिंपल वर्ड, इट्स अ सब्सिडी। तो सब मैंने बोल रहा है कि बजट में एक दुनिया का ट्रांसफर कर दिया, जैसे पेंशन, पेंशन क्या है? मुझे सैलरी मिल रही है, आई एम गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आई एम गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैलरी दे रही है, ठीक है, और किसी को उत्तर प्रदेश सरकार जब पेंशन दे रही है, दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर चीज आपको थोड़ा सा आपको देखो, पेंशन जो है सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है, जो कि बजट का एक हिस्सा है, जो कल किसी ने बात करी थी, पेंशन इज अ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है, जिसमें कल किसी ने ईपीएफओ की बात की, पीपीएफ की बात की, ग्रेजुएट बात, ये सब चीजें क्या है? बजट में सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है, बजट में सोशल सिक्योरिटी, क्या हम पैसे किसी को सामाजिक सुरक्षा देना, जब तो अभी तो मैंने सब्सिडी बताया था, अभी ट्रांसफर भी बता रहा हूँ, बजट का सब्सिडी समझ आ रही नहीं, ट्रांसफर पेमेंट बजट का हिस्सा है, क्योंकि वो बजट के एक्सपेंडिचर में आता है, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा है, कैसा कर सकते हैं, हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इतनी सब्सिडी हम देंगे, इस चीज से सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तभी तो एक डेफिसिट क्लियर हुआ। आप क्या कह रहे थे कि मैं उसको लिख दूं, पहले इस पे बात करते हैं, बजट के जो टर्म्स होते हैं, बजट क्योंकि डेफिसिट इसी पे, जैसे पेंशन है वो ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन किसको मिले तो कुछ नहीं करता, तो जब भी हम ट्रांसफर पेमेंट की बात करते हैं तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, वो एक तरफा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की व्यवस्था कर रखी थी, अभी भी कर रखी है, प्रणाली बदल गई, प्रणाली बदल गई है लेकिन अभी भी व्यवस्था है, ठीक है,
तो वो एक सोशल सिक्योरिटी के लिए ट्रांसफर पेमेंट हो जाता है। सब्सिडी क्या है? नॉट सोशल सिक्योरिटी फॉर प्योरली इकोनॉमिक पर्पस टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द पॉलिसी व्हिच गवर्नमेंट वांट्स टू, उन नीतियों को इफेक्टिवली लागू करने के लिए जो सरकार चाहती है उसके लिए कुछ इंसेंटिव देती है। जैसा कि मैंने कहा ना कि इनकी बात पहले आ कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बने, तो हमने जो इस टाइम ड्यूटी में छूट दे दी, हमने टैक्स हॉलीडे दे दिया 3 साल 4 साल 5 साल का, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि किसान अधिक से अधिक फर्टिलाइजेशन यूज करे, किसान अधिक से अधिक पेस्टिसाइड से यूज करे, तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी, ठीक है। सरकार चाहती है अधिक से अधिक मॉडर्नाइजेशन हो एग्रीकल्चर में, ये पिछले पिछले समय की बात है, अभी करंट फिनोमेना की बात, तो उसने डीजल पर सब्सिडी दी क्योंकि जो भी जो है ट्रांसपोर्ट के या जब भी फार्म मैकेनाइजेशन और उससे आप ट्यूबवेल देखो या ट्रैक्टर देखो या जो भी एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की चीजें हैं वो सब क्या डीजल से, तो सरकार डीजल पे अधिक सब्सिडी दी। एक समय ऐसा था कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बड़ा अंतर, ठीक है, तो सब्सिडी क्या है कि सरकार चाहती है कि आप इससे अधिक से अधिक उपयोग करें, चूंकि वो आप पहुंच से बाहर है या आप पहुंच पे गए, लेकिन उसकी कीमतों को कम करके ये टोटल इट इज अ लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड होगी, इट इज टोटल लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सब्सिडी हुआ, ठीक है, बस सब्सिडी या ट्रांसफर पेमेंट which is equal to procurement price minus selling cost. Subsidy एक transfer payment है, जो कि procurement price minus selling cost. क्योंकि subsidy के एवं जब सरकार को दे नहीं रहे ना, एक तरफा अगर सरकार को हमको subsidy दे रही है, लेकिन क्या सरकार उसके एवं हम से कुछ चाह रही है? जैसे हम tax pay कर रहे हैं, तो उसके एवं सरकार की कोई legal compulsion नहीं है कि सरकार उसके एवं हमको कुछ दे, ठीक है? Yeah. खरीद मूल्य प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, जैसे एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर सरकार खरीदती है प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। तो सरकार एक चीज को 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच, हमें सेलिंग कॉस्ट का वर्ड यूज किया, क्योंकि जब भी हम प्राइस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्राइस देन द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन दैट, जिस पे वो बेच रहे हैं, वो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइस ना जिसको उसने खरीदा है, जैसे एलपीजी सिलेंडर सरकार ने 12 रुपए में खरीदा सेम पॉइंट, तो एक्चुअल प्राइस उसकी हो 5% प्राइस कॉस्ट ये सब अलग अलग चीजें उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इन दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कि प्राइस क्या है कॉस्ट क्या है वैल्यू क्या है, जैसे आपने ग्रॉस वैल्यू को एडिशन दिया या ये सब आप तो वैल्यू 6 होती है, ये तीनों जो है समानार्थी शब्द नहीं है, वैल्यू प्राइस और कॉस्ट तीनों समानार्थी शब्द नहीं, ठीक है, तीनों अलग है, ठीक है। आप किसी के अगर सर ने बोला है तो फिर हम आपको बता देंगे कि जैसे जैसे प्राइस आप सब लोगों ने सुना होगा, अभी मैं क्लास वाला था अपना जब ये खत्म हो जाएगा तब यह कुछ लाइव आएगा, यह खत्म हो गया और पीछे 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 ये तो इनके कैलकुलेशन गई पीछे 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 ये तो डिसमेंटल हो गया प्लान के नॉर्म का नेक्स्ट मंथ और पीछे पीछे आप आगे आ रहे हो, हाँ ठीक है। इसमें एक नई चीज आ रही है, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे रहेगा, अब आ गए, एक नई चीज है मोनेटाइज जैसे, ठीक है, ये अब पहले क्या हुआ था कि सरकार को घाटा होता था उसको आरबीआई से वो
बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, से भरपाई उसकी करती थी, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स उसकी भरपाई करती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदल दिया गया। अब अगर आप कोई भी नई टैक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा वेयर इट नीड्स एडवांस, जो अभी पिछले पिछले साल महीना हुआ था कि सरकार ने कहा कि आरबीआई के पास इतना सरप्लस पड़ा हुआ है वो हमको दे, जबकि आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी, आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। तो वेयर इट नीड्स एडवांस एक तरह सरकार अपने घाटे की पूर्ति करती है, ठीक है। 1990 से पहले एक प्रक्रिया थी जिसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन ऑफ डेट, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन, जो सरकार की जिम्मेदारियां है, सरकार ने बहुत कुछ लिया, ठीक है, और जब उसको चुकता करने की बारी आई तो सरकार के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ और थी। लेकिन मैं उस समय के सरकार की को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आज हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं, और मैं किसी सरकार की भलाई करता हूं, कोई सरकारी काम नहीं, कंप्यूटर सबसे पहले राजीव गांधी का, आज उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आदित्यनाथ का जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो कौन किसका किसका से सवाल करना है अलग, उस समय अर्थव्यवस्था किसी दूसरी थी एकदम अलग। तो सरकार क्या करती थी कि आरबीआई से कहती थी कि आप अपने नोट छाप दो, ठीक है, और हमने इतने लोग इतनी लोग को जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनकी मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है, उसको वो पैसा हमने, ठीक है, उसको हम कहते थे डीमोनेटाइजेशन ऑफ डेट। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जो पूरे बजट प्रोसेस है, पूरे बजट प्रोसेस में सबसे बड़ी बात कर, अगर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा, लोगों की आय बढ़ रही, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जिसके मैं दे रहा ना, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जिसकी आय अधिक है उसके सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी आय कम है उसकी सेहत बहुत ज्यादा। आज अगर आलू जो है 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो हो जाए तो मेरी डिफरेंस होगी मेरे लिए, क्योंकि मेरे टोटल बजट में उसका शेयर इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसके दाम घटने या बढ़ने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी जब हम इन्फ्लेशन से आया आपका है मॉनेटरी पॉलिसी, अगर नमक जो है 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा, आपको पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा यार, वो 20 रुपए के 200 रुपए किलो है तो भी, क्योंकि आपका टोटल बजट है उसका जो शेयर है ना बहुत कम, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी जिसके टोटल बजट में दैनिक उपभोग का 80% ही खर्च हो जाता है, अगर वो चीजें महंगी हो जाएगी तो उसके सेहत, तो इस दो लाइन में शायद आप जो है, ठीक है, तो ये एक, ठीक है, अब देखो ये एक डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट इसलिए हुए कि जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी चेंज होता चला गया कि अब हम बजट डेफिसिट की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो समय और था जब बजट डेफिसिट की बात करते, क्योंकि जीवन और का ओपन इकोनॉमी, हम खुली हुई अर्थव्यवस्था नहीं, एक क्लोज इकोनॉमी जिसमें कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते, आज एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो उस समय जो है अलग कॉन्सेप्ट, अब हमें ओपन इकॉनमी है तो अब हम जो है एक अलग बात, ठीक है। तो ये एक बजट के बारे में, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ भूल जाए, लेकिन एक चीज याद रखना कि सारे डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको ये बताता है कि सरकार का लेवल ऑफ इंडेबटनेस, सरकार कितना उधार में है, ठीक है, अगर हमने 2.3% का जीडीपी का, तो इसका मतलब कि कितना हमारा जीडीपी है जो चला जा रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उधार चुकता करने के लिए, ठीक है, इसको कम करने के लिए आदमी लाए दो तरीके हैं, या तो हम जीडीपी को बढ़ा लें, भाई अगर हम अपने जीडीपी को बढ़ा लें तो जो ये 2.3% है वो घट के जो है, जैसे हमारे पास 20 रुपए की उधारी है, हमारी आय 100 रुपए है, तो कितना तो 20, तो या तो हम 20 रुपए कम कर रहे हैं या तो अपनी आय को 100 रुपए बढ़ा कर 200 रुपए कर रहे हैं, समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ
सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, आर्थिक सुदृढ़ता उसको लाती है। और आप किताब जरूर पढ़ना, ये युवा समिति 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट डबल डिग्री, फिस्कल डेफिसिट डबल डिग्री, दैट वाज अ बिग कंसर्न, ये सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको किताब पढ़ना, और अगली क्लास में पढ़ने के बाद अगर न हो तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अब ये अलग चीजें थी, रेवेन्यू डेफिसिट सिस्टम, जैसा कि नाम बताया रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू मिसिंग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अंतर है वही हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। जब हम जो है फिस्कल डेफिसिट में से जो है इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब इस बात से सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है। भाई आपको किसी से क्या मतलब है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तभी आप उसको पैसा दोगे, तभी आप वहां पर निवेश करोगे। ठीक है भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। और व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, आज मैं थोड़ा सा लेट तक कॉमन बिकॉज आई ये लेट, इसमें से कितने लोगों को मालूम है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे अगला टॉपिक शायद बढ़ गया। आप भले के बाद इकोनॉमिक सर्वे सिस्टम पॉलिसी, अच्छा ओके, देखो इस बार उसको क्योंकि ये सामान्य समय नहीं, हर साल बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण आता है। ठीक है, वो जैसे बजट जो पेश होता है, जैसे अगर फरवरी 2021 में बजट पेश हुआ तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश होता है। ठीक है, क्या भारत में कितने तरीके के कैलेंडर है, वो नहीं, जैसे एक एकेडमिक कैलेंडर है 1 जुलाई to 30 जून, सेकेंड फाइनेंशियल कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 एंड 1 कैलेंडर ईयर और एग्रीकल्चर का नीति कैलेंडर। हाँ राइट, जैसे रबी खरीफ जायद तीन मुख्य फसल है, रबी खरीफ और जायद, ठीक है, उनके बुआई और कटाई के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसका एक कैलेंडर कम से कम करते हैं। इसलिए चार साल मुझे लगा कि ये जुलाई का क्योंकि है चार ही, वो भी 1 जुलाई से 30 जून तक, ये याद रखना, इसलिए तो 1 जुलाई है। जुलाई में जैसे धान की फसल जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में काटे, ठीक है, आगे क्रॉपिंग पैटर्न मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न एंड ऑल। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है दैट इज इंडिकेटर दैट व्हाट एवर वी हैव प्लान, जो हमने पिछले साल या उस वित्तीय वर्ष में प्लान किया था उससे हमने कितना अचीव किया और हम कितना उससे आगे बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, इसीलिए जैसे बजट, बजट हमेशा अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जैसे 2020 में बजट पेश किया गया तो किसके लिए होगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो किसके लिए होगा, 19-20 के लिए होगा, वो किसके लिए होगा, 19-20 के लिए। ठीक है, और जब आप आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो उसमें और दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस समय बेस ईयर क्या है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि बेस ईयर को चेंज करके 17-18 या 19-20 करके कुछ
समथिंग लाइक दैट गॉड आर क्या व्हाट इज बेस हियर आर्थिक सर्वेक्षण में जब आप देखोगे आर्थिक सर्वेक्षण को जब आप देखोगे तो होता है करंट प्राइसेस ठीक है करंट प्राइसेस पे क्या है एस्टिमेशन कुछ क्विक एस्टिमेट्स होते हैं ठीक है कुछ बेस ईयर के प्राइसेस पे एस्टिमेट्स होते हैं ठीक है ये आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ मुख्य चीजें हैं तो आपको आइडिया है बेस ईयर क्या है करंट ईयर प्राइसेस क्या है क्विक एस्टिमेट्स क्या है वो इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स दो चीजें होती है एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स लेकिन इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आगे मैं बताऊंगा बेस ईयर प्राइसेस का होता है जैसे जब भी आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं जैसे सेम हो जाता है अगर आज किसी चीज की कीमत 10 रुपए है ठीक है और हमने कहा कि हमने उसका 10 किलो उत्पादन किया तो कितनी वैल्यू होगी हमारे 100 रुपए ठीक है उसको हमने रख लिया वो पेरिशेबल आइटम है खराब होने वाला आइटम है कल उसकी कीमत जो है 12 रुपए होगी ठीक है तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 120 रुपए लेकिन क्या रियल टर्म्स में अवेलेबिलिटी बढ़ी है नहीं वास्तविक तौर पर वो 10 किलो का 10 किलो लेकिन किस वजह से चेंज आया वैल्यू में प्राइस की वजह से तो टू निगेट द इफेक्ट ऑफ जो प्राइस का चेंज है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कोई भी कैलकुलेशन जब बेस ईयर प्राइसेस बेसियर प्राइसेस पे करते हैं अभी जो नेशनल इनकम की नई ट्रेंड आई है ठीक है आप लोगों को लेटेस्ट आप लोग तो अब नेशनल इनकम पे जो हम एनएनपी की बात करते हैं ना वो करंट प्राइसेस पे ठीक है और जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन सकल मूल्य संवर्धन ठीक है जो जीडीपी बैक हो यार नेशनल इनकम में पढ़ाए कहा था कि जियोग्राफिकल बाउंड्री किसी भी देश की भौगोलिक सीमा और आर्थिक सीमा दो अलग अलग ठीक है जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद देश में रह रहा नागरिक बस इतना समझ लो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये दो लाइन है देश में रह रहा नागरिक वो भारतीय हो चाहे ना हो वो किसमें आएगी घरेलू उत्पाद में ठीक है भारत का नागरिक वो देश में रह रहा हो या ना रह रहा हो बस ठीक है अब जैसे इंडियन एम्बेसी है यूएस में है उस पर खर्च हो रहा है तो जब दो देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही जैसे अभी कुछ दिन पहले फ्रांस एंड इसके बाद भारत की सेना अभ्यास कर रही ठीक है तो वो खर्च कौन कर रहा है अब वो उस पर डिपेंड करता है लेकिन वो है तो जो पब्लिक गुड्स का एक्सपेंडिचर ठीक है तो वो सकते ही है आप उसके लिए पे करें या ना करें लेकिन उसकी सेवाएं आपको मिल रही ये बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है जब हम गुड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के बारे में बताया था क्योंकि इसी की जरूरत क्लासिफिकेशन इसका बहुत लंबा है ठीक है जैसे कि सड़क सड़क पर अगर हम चल रहे बहुत लोग चल रहे तो बिल रहा हो लेकिन अगर नेशनल डिफेंस तो कितने भी लोग रहे अगर भारत की आर्मी है तो सबकी सुरक्षा हो ठीक है कोई मछुआरा है आज की तारीख की बात नहीं करें जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था दिमाग वो मछली पकड़ रहा है समंदर से तो एक मछुआरे को मछली पकड़ने से
दूसरे मछुआरे के मछली पकड़ने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे वो मछलियां कम। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक कोर्स मेरे कोर्स और तमाम कोर्स की परिकल्पना है आज। लेकिन आपको तो दो चीज मैंने, ठीक है, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो आप देखो करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ये कहता है कि जो है करंट ईयर प्राइसेस में जब आप इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो वैल्यूज हमेशा इन्फ्लेटेड हुए, वैल्यूज हमेशा बढ़ी हुई। ठीक है, लेकिन जब बेस ईयर पे देखोगे तो वो कम मिलेगी, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमेशा बेस ईयर की प्राइसेस ही सही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर 2019 में कमोडिटी एक्स की प्राइस 10 थी और क्वांटिटी 100 थी तो वैल्यू कितनी हो गई? 1000। 2020 में प्राइसेस बढ़ गए 12 हो गई लेकिन क्वांटिटी जो है 90 हो गई, वैल्यू कितनी हो गई? 1080 हो गई। वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन क्या अवेलेबिलिटी बढ़ी? लेकिन अगर हम इसको वही तरह 19 के प्राइस पे लेते तो वैल्यू क्या आती? 900। वैल्यू क्या आती? नाउ वी कैन कंपेयर दैट वी गेट बेटर ऑफ, हम बेहतर स्थिति पे पहुंचे हैं या खराब स्थिति, हमारी स्थिति बेहतर हुई है या खराब हुई। ठीक है, ये एक। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे हमको ये बताता है कि जो नीतियां हमने पिछले वर्ष बनाई और जो बजट में एलोकेशन किया उसमें हम कहां तक सफल हुए और कहां तक असफल हुए, तो उस बेसिस पे हम ये निर्णय ले सकते हैं। आप एक चीज गौर करो कि हमेशा बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है। क्योंकि बजट में कई बार, बजट में कई बार 5 साल की योजनाएं घोषित होती है, ठीक है, 3 साल की होती है, 10 साल की होती है, ठीक है, उसके बजटीय एलोकेशन होते हैं, तो वो हमको ये इंडिकेट करता है कि हम आगे में इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम इस बजट को तैयार करते हैं। ठीक है, कई बार आप देखोगे बजट में कुछ पॉलिसीज को विड्रॉ कर लिया, कुछ पॉलिसीज को विड्रॉ कर लिया, जैसे कि अधिकतम टैक्सेस का, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ये चीजें घट रही की जगह बढ़ रही है, घटने का बारे में मतलब प्रॉब्लम्स में बात। ठीक है, तो इट्स बेटर टू बी विथड्रॉइंग रदर देन टू कंटिन्यू। ठीक है भाई, इसी पे एक कॉन्सेप्ट आया जो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसको कहते हैं अगर इकोनॉमिक सर्वे हमारे बजट का आधार है। बेटा आपकी आवाज ही नहीं सुन रही, ऊपर इंजन ने कहा कि मेरी हमने देखते हैं किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हम जो है अपने बजट को, तो हमारे पास एक पिछले साल का डेटा है या पिछले के पिछले साल का डेटा या उससे पहले का डेटा, ठीक है, या कुछ जानकारियां हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार में कुछ ही बात जीरो बेस बजट की बात, जब हम कोई बेस नहीं लेते, व्हेन वी डोंट टेक एनी पास्ट ईयर डेटा, जब हम पिछले वर्ष के किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं लेते हैं और एक नए सिरे से बजट बनाते हैं,
उसी साल की सारी जानकारी को लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, तो बजट का एक मेन आधार क्या है, हमारा आर्थिक संरचना। ठीक है, रखिए, तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि हम किधर किधर मूव कर रहे हैं। उसने आप देखो सारे डेटा दिए होंगे कि भारत सरकार ने पिछले साल बजट में ये एलोकेट किया था कृषि में, तो कृषि की विकास दर ये रही, इंडस्ट्री की विकास दर ये रही, इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्री से, तो वो हमारे आधार है कि जो हमने पिछले साल पॉलिसी बनाई वो कितनी सफल रही, कितनी प्रभावकारी रही या नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सुनना है आगे आपको, जो मैथ्स ऑफिस में है वह फिस्कल डेफिसिट, सॉरी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में कि राजकोषीय नीति क्या होता है, मेरी आइडिया क्या लगता है। ये सवाल पूछने का पर्पस सिर्फ यह है कि मैं कहां से शुरू करूं, ये मैं इसलिए नहीं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं, इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। लिखते हैं इसमें समझ आ रहा, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, सुना है सर, That is the part of the budget. See, there is a fiscal policy. There are two main policies of you. Two main policies of you. Fiscal policy or monetary policy. राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। ठीक है, कल जैसे हमने बजट पढ़ा, ये जो मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो में है, इसलिए कुछ बहुत अगर लिखना चाहूँ तो जो मैं बोले जा रहा हूँ तो बुक में आप बहुत लेंथी तरीके से, ठीक है, इट इज वेरी इंप्रेसिव जितना आपको। देखो एक चीज याद, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कभी भी किसी भी, जैसे कि आप लोग तो सीरियस की तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, कोई परीक्षा छोड़ो मेरी, नो, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर इतना बड़ा भय है बेरोजगारी का कि हम कोई परीक्षा नहीं छोड़ना चाहते। नहीं नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, अरे यार, अगर किसी गवर्नमेंट उसमें जो है कलर का निकले तो भी इसमें बहुत दुख है, क्योंकि बेरोजगारी का भय है। जैसे कि हम कहते हैं, अगर पूछे कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपको नहीं मालूम है तो सेफेस्ट तुक्का क्या होगा, जिनेवा। भाई हम भी कभी विद्यार्थी रहे, तैयारी की आप लोग की तरह, आज यहां में कल आप लोग, उसी तरीके से कुछ चीजें आप लोग बताऊ, जब भी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें, कुछ चीजें लिखनी है, हमेशा सकते हो इससे इतना हट के एक दो चीज हो चली गई तो ही रहेगी, जैसे बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, साक्षरता बढ़ाना, ठीक है, आर्थिक विकास, आय में समानता, इसको सही हिंदी क्या होगी इसका किताब में देखो, जैसे इनकम इनइक्वालिटी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है भाई। हाँ, एक बार बिजनेस आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, ठीक है, और आपने जो टर्मिनोलॉजी की बात की थी ना,
बेटा अगर मुलाजिम बनाने लगे तो साल भर लग जाएगा, क्योंकि 20 साल मुझे लगे हैं, तो आपको कोई भी काम अगर पता चलता है, थोड़ी सी मेहनत आप ही करो ना, प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप ही करो, आप लिख के लाओ इस तरह का काम भी समझ आए। इस क्लास में अगर 60 बच्चे बैठे हैं, रोज अगर एक बच्चा एक एक टर्मिनोलॉजी लिख के लाता है, तो रोज आप 60 टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे, ठीक है, 10 दिन में 6 को सीख जाओ। अब आप अगर हमसे सोचो तो हम कितनी टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं। अब इस बात मान लो, अभी हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी व्हिच डील्स विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकार के आय और व्यय से संबंधित है, ठीक है, इसीलिए उसको राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है, आय और व्यय। अब उसमें हम बात करेंगे सेविंग्स की, मान लो इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आए, जब हम व्यय की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक तो कंजम्पशन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि हमने अभी कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी बजट में हमने बात की ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कंजम्पशन है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आप कहोगे सर हम लोग तो उसको एज ए सिनोनिम टाइप का सामान आप यूज करते हैं, भैया या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्यों कुछ सेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है और बहुत ही क्लासिकल डिफरेंस है, ठीक है। अब तुम टर्मिनोलॉजी बात करो तो भाई देख सकते हैं, भूल जाए सेविंग क्या है, रोज यूज कर, कल अगर मेरी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए टारगेट, सब लोग यूज करते हो वर्ड प्राइस, भैया इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है, यू हैव टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस इज, प्राइस किसको कहते हैं, जब वो कहता है कि ये 5 रुपए का है तो आपके कहा ये इसकी कीमत कितनी है, 5 रुपए, तो 5 रुपए कीमत है क्या, वो तो जो है आइए जब तुम जान सकते हो दुकानदार है, कॉस्ट अलग चीज होती, वैल्यू अलग चीज होती, एक बार जान लो याद रखना हमेशा, कीमत कभी भी किसी सामान की नहीं होती, व्यक्ति की जरूरत की होती, ये याद रखना। आप प्यास से मर रहे होंगे और पानी की बोतल कोई 10 रुपए वाली 100 रुपए में से है ना खरीदो, तो कीमत जो उस पानी की बोतल की नहीं है, कीमत आपकी जरूरत है, और जब प्यास नहीं है पेट भरा हुआ है कुछ 5 रुपए में देगा ना, नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, एनीवे सेविंग क्या है, बचत, और बचत क्या है, सेविंग, क्यों वेरी सिंपल आंसर है, सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, हाउस होल्ड करता है, ठीक है, हाउस होल्ड के इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग, जो हमारी इनकम है हाउस होल्ड के दो हिस्से हैं, कंजम्पशन और सेविंग, फिर उसका इन्वेस्टमेंट आता है, फिर स्पेकुलेशन आता है, लेकिन नॉर्मली कंजम्पशन है, सेल सेल है, एग्जैक्ट है, आप मैं वीडियो देख रहा हूं, ये क्योंकि पीपल डोंट थिंक, वो सोचते ही नहीं, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो शब्द का मतलब क्या है इसको सोचना जरूरी नहीं है। जैसे आप तो मैंने कहा ना कि इस मार्केट में प्राइस 10 रुपए है, तो 10 रुपए क्या है, प्राइस का मतलब क्या है, तो 10 रुपए क्यों बोल रहा है, तो 10 रुपए क्यों बोल रहा है, बताएंगे कभी मौका मिलेगा बताएंगे। सेविंग इज अ डिफॉल्ट कंजम्पशन, जो वो आज हम कर सकते हैं उसको हमने भविष्य के लिए टाल दिया, कि आज हम 100 रुपए बचा रहे हैं, अगले महीने 100 रुपए बचाएंगे, फिर अगले महीने 200 बचाएंगे, इस तरह 1000 रुपए बचा के हमें किसको करते हैं, यही ना हुआ सेविंग,
सेविंग इज डिफर्ड कंजम्पशन, सेविंग इज जो आज हम कंज्यूम कर सकते हैं उसको हमने फ्यूचर के लिए टाल दिया, ठीक है, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर दैट डिफर्ड कंजम्पशन। हमने क्या किया ना, जिस चीज का उपभोग आज हम कर सकते थे उसका भोग हम भविष्य में करेंगे, तो हमने क्या किया, ठीक है। तो आज आप देखो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट से सेविंग अकाउंट को बहुत कम है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैसा बचाओ, चाहती क्या अधिक से अधिक कंज्यूम करो, ठीक है, अधिक से अधिक कंज्यूम करो। तो जो फिस्कल पॉलिसी की बात करता है, इट डील्स विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ फिस्कल पॉलिसी का थोड़ा सा नैरो सेंस है। ये देखो फिर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इसके से बात मत सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने आ रही है इस सोनिया गांधी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू, ठीक है। और एक होता है पॉलिसी पैरालिसिस, उस समय की सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस मतलब उनको एलिमिनेट कर और सबको जो है जो बेनिफिशियरी अमाउंट है वो डायरेक्ट उनके खाते से मिडिल मैन क्या हुआ एलिमिनेट, ठीक है। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अभी उस चीज को जनरल खाते भूल जाओ, क्योंकि अगर खाता ही नहीं जाएगा तो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे करेंगे? जो बचत करना और बेनिफिट देना दो अलग अलग। अभी इसमें मैं तुमको बता दूंगा कि एक कॉन्सेप्ट और है बहुत अच्छी चीज में बताई है, मैं अभी इस पर थोड़ा सा कम बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन उठाया, ठीक है। आपके एलपीजी के सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जो एजेंसी वाला सब्सिडी लेकर के सिलेंडर आपको 800 का सिलेंडर 700 में देता है, वो ब्लैक में 800 में सरकार से 100 रुपए ले रहा है और 800 रुपए ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब जो है सब्सिडी डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगे तो आप वो बेचेगा तो 800 में बेचेगा, लो भाई सरकार को तुम 800 रुपए दो, सरकार उसमें 200 रुपए हमारे खाते में भेज। मिडिल मैन का करप्शन दूर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो कई बार इस जैसे कल जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो है एक डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाने की बात हुई ताकि जो अधिक से अधिक वो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि इट वॉज नॉट फिजिबल, ठीक है। मोदी जी ने जो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश इसको कहते हैं, ठीक है, कि जब तक आप बैंक तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आपको सरकारी नीतियों के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक को ये टारगेट दिया गया, ठीक है। इसके पहले भी सरकार ने बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, ठीक है, कि लोग अधिक से अधिक बैंक खाते खुलवाए, लेकिन 18% का टारगेट था। दिस वी कॉल द मैजिकल फिगर, दिस वी कॉल द मैजिकल फिगर, वो मैजिकल फिगर वो टच नहीं करता। लेकिन मोदी जी ने एक अपील की, ये ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिसी तो मनमोहन सॉरी नो पॉलिटिकल से, ठीक है, एक अपील की, एक एक्सेप्टेंस था उस समय लोगों में 2009 में एक एक्सेप्टेंस था, ठीक है, सॉरी 2014 में एक एक्सेप्टेंस था कि जो बोला वो कर, ठीक है, और उसको उन लोगों ने खड़ा कर लिया। उसके पीछे नीति यही थी कि अधिक से अधिक लोग बैंक की सुविधाओं से जुड़े, जिसको कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। और जब बैंक से जुड़ेंगे तो सरकार की अधिक से अधिक नीतियों का लाभ वो ले पाएंगे, जैसे कि अभी किसान सम्मान योजना क्या है जिसमें 2000 रुपये क्वार्टरली जो है उनके खाते में क्वार्टरली है क्या है वो साल 3 बार जाता है, ठीक है। अगर ये पैसा लेखपाल के द्वारा बांटा जाता है तो
क्या कहता लेखक, पहले दो शब्द का हमको जो कहता ही नहीं कहता है? लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर खाता नहीं रहता तो 200 रुपए जाता, जिसको जरूरत नहीं उसके पास जाता, ठीक है, और इससे अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिगड़ता है, और ब्लैक मनी से हमेशा अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिगड़ता है, ठीक है। क्यों क्यों बदलता है आप इससे समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा उठता ब्लैक मनी, ब्लैक मनी में आप सब समझ गए, आप सोचो आपको पॉकेट खर्च के लिए आपके माता जी ने या पिताजी ने 100 रुपए दिए, आपको उसको खर्च करने का तरीका, और आप क्लास से बाहर निकले गेट के पास पहुंचे और आपको 50 रुपए गिरा हुआ मिले, उसको खर्च करने का तरीका, अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा 100% आएगा, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता है। तो वही होता है जब ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट करती है, ठीक है, तो इकोनॉमी का स्वरूप बदल जाता है, जिससे कि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो गरीब जनता है, उसको हमेशा नुकसान, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ जाएगा, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसके पास पैसा होगा अफोर्ड कर सकता, और जिसके पास नहीं है वो, तो इस चीज को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की गई। क्या 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 कमर्शियल बैंक एक तरीके से सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे सवाल तुमको भी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुमको लगेगा सबको आता नहीं है, और मैं बताऊंगा तो बैंक की जो फंक्शनिंग है, बैंक में अगर डिपॉजिट पड़े, ठीक है, डिपॉजिट अगर पड़े हैं, तो ये डिपॉजिट दो तरीके से होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट उसको कहते हैं जो फिक्स होता है, जैसे आरडी आपको करवा ली या एफडी ले ली, तो टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, हमारा करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, जब हमने मांगा तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। इंडियन बैंकिंग के साथ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसको कि जब भारत सरकार कह रही है 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाएगा, ये बनाएंगे वो बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, क्या कोई भी बैंक विश्व के शीर्ष बैंक में से नहीं है? क्यों नहीं है इसका सोचना, इसका सोचना कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का कोई बैंक विश्व के शीर्ष बैंकों में से नहीं है, क्यों? उसका आप जो तुम बात करो सरकार का फायदा है क्या, जब डिमांड डिपॉजिट बढ़ा तो बैंक के कुछ ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़ जाते, कैसे बढ़ जाते हैं, और बैंक अगर ऑपरेशनल खर्चे बढ़ेंगे तो उसको अपने आप को बनाए रखने के लिए लोन देना पड़ेगा, जब ऑपरेशनल खर्चा बढ़ेगा तो और ज्यादा जो है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, ऑपरेशनल खर्चा सबसे पहले क्या होगा, अगर ये बढ़ा तो वो क्या निर्णय करेगा, देखा ये मेंटेन करेगा ये बढ़ेगा, ये मेंटेन करेगा भाई, मैं अभी ये बताओ कि अगर डिमांड डिपॉजिट बढ़ा, टूल्स अलग है, ठीक है, टूल्स अलग है, अगर डिमांड अगर बैंक में पैसा बढ़ गया तो उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा, जब मेंटेन करना पड़ेगा तो उतना तो चला गया उससे बाहर, तो उसको उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना, ठीक है, और जब कॉस्ट बढ़ी, ठीक है, ये इतना आसान मैकेनिज्म है, जो तुम कह रहे हो कि जो सरकार के पास पैसा बढ़ गया तो सरकार लोन दे, सरकार ने बैंक, ठीक है, आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, इसको लिखिए, ये हमेशा याद रखिए, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एनबीएफआई, जैसे पोस्ट ऑफिस है, लिसन पहले लिखना पहले सुनो, जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, जस्ट लाइक बैंक,
ठीक है, आप कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे सुराम फाइनेंस है, एलएनटी है, टाटा कैपिटल है, वहां से भी आप लोन लेते हो, मुथूट गोल्ड फाइनेंस है वहां से भी लोन लेते हो, एलआईसी में भी आप पैसा जमा करते हो और कुछ समय बाद मैच्योरिटी के बाद, ठीक है, तो बैंक में भी ये काम करते हो। तो कमर्शियल बैंक और इसमें अंतर क्या होता है? एक सबसे बड़ा अंतर होता है जो किताबों में लिखा रहा था कि चेक का और उसका ये वो छोड़ो, मतलब तो फिर आप क्रेडिट क्रिएशन का। कमर्शियल बैंक के अलावा कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता। देखो only difference between the commercial banks and the non-banking financial institution, non-bank, क्या कहते हैं NBFC, आई क्या कहते हैं non-banking financial institutions, Hindi, I don't know, non-banking financial institutions, मेरे fundamental difference है कि commercial banks जो है credit create कर सकते हैं और कोई institution credit create नहीं कर सकता। Is that clear? ठीक है, fine, okay? तो हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। नहीं, आज मुझे टारगेट क्या है पता नहीं करना है, ठीक है? तो जो अभी किसी ने बात कही इन्फ्लेशन की, तो फिस्कल पॉलिसी के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक एक्सपेंशनरी विस्तारवादी राजकोषीय और एक संकुचित राजकोषीय। जब गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स को बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, यानी कि वो अपने डेफिसिट को कम करना चाहती है, वो अपने डेफिसिट को टैक्स को बढ़ाएगी और अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, तो क्या करेगी? अपने डेफिसिट को कम करना चाह रही, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। तो इससे क्या होगा? इससे आदमी की क्रय शक्ति कम होगी। जब टैक्स बढ़ता है तो नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, राष्ट्रीय आय है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत नियोज आय क्या कहते हैं उसको, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब टैक्स बढ़ेगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस क्या होगी? कम हो जाएगी। आप समझाएगा कि इन्फ्लेशन वही मैकेनिज्म यहां पर, ठीक है? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, तो जब एक्सपेंडिचर को कम करती है तो जो क्या था समग्र मान एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी संकुचित राजकोषीय, संकुचित लाभ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। इसका मेन कारण होता है इंप्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमी को स्टिमुलस देना, जो इस समय चल रहा है, जो इस समय इस साल के बजट में आपने देखा होगा कि चाहे इनकम टैक्स खास करके कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है? इसका मेन उद्देश्य होता है इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है? इसका मेन उद्देश्य होता है इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है? पॉवर्टी एलिमिनेट करना, मतलब गरीबी दूर करना, ठीक है? इसका क्योंकि जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी, नई नई योजनाएं शुरू करेगी, तो नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनसे जो है तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, ठीक है? नाउ द फोरम इज ओपन फॉर यू। ये दो मेन फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आइए। हाँ, जो मन में आप पूछ सकते हो। क्या हो गई है?
बाद में बोल रहा हूं कैपिटलिज्म एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट का है और किसानों को दो हजार रुपया देना किसान सम्मान योजना है क्या ये आज देखो पॉलिटिकल कैपिटलिज्म के लिए अडॉप्ट किया गया थोड़ा सा विस्तार में बोल रहा हूँ पॉलिटिकल कैपिटलिज्म के लिए अडॉप्ट किया गया कि कारण कुछ और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदलने का काम कई बार दुनिया होती है जैसे 1991 में ऐसा नहीं कि जो है फार्मोसी में बहुत मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो है कम शुरू किया ये भारत सरकार मजबूरी हो गई थी उसको ये करना था क्यों करना था क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगा दी IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगा दी थी जो कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़े वो तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मालिक पर होगा कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा ठीक है क्योंकि अगर आप मुझे इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ोगे तो शुरुआत में 8 सेक्टर्स को रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए फिर उसको घटा के 3 किया गया और अब उसमें से एक रेलवे को भी प्राइवेट सेक्टर में ला दिया तेजस ट्रेन लगा दी ठीक है अभी जो आप कैपिटलिज्म की बात करो इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे ना तो आजकल तो बात चल रही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की इसको देखना मैं नाम है लूंगा CRL क्रॉनिक कैपिटलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है लॉबिंग करके अपने फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसी बनवा I said no political statement. क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात आ गई अब कैपिटलिज्म तो चला गया पीछे समझे बात को कैपिटलिज्म तो पुरानी बात हो गई अब तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात आ गई ये अमेरिका में होता था जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री लॉबिंग करते थे और लॉबिंग करके अब चूंकि गवर्नमेंट की मजबूरी होती थी क्योंकि वही इंडस्ट्रीज उनको फंड देते थे तो आप देखो जैसे वहां पर कोई इंडस्ट्रीज से वो मिनिस्टर बन जाए हिंदुस्तान में नहीं ऐसा कोई किसी बढ़िया पोजीशन पर इंडस्ट्री मिनिस्टर तो वो लॉबिंग करके अपने फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनवा देते कैपिटलिज्म का डिस्टॉर्टेड कैपिटलिज्म का विकृत स्वरूप जो है वो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म और ये हो रहा जो भी इकोनॉमिक कैपिटलिज्म की मुश्किल है ये हो रहा है क्यों क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की जितनी देखो उसमें से अधिकतर क्या है डेमोक्रेटिक और अगर डेमोक्रेटिक है तो सारे निर्णय जो है इकोनॉमिक लाइबिलिटी के रहेंगे कुछ पोलिटिकल पॉपुलरिज्म भी होंगे और जब उसके लिए भी होंगे और चुनाव होगा तो उसके लिए पैसा भी नहीं होगा क्यों इधर एनीथिंग एल्स समझ रहे आपकी कैपिटलिज्म पुरानी कहानी होती है और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो वो एक मजबूरी हो क्योंकि इसके लिए आप एक चीज पढ़ने आना मैं बात करूंगा आगे डिस्कस करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको चालू खाते का खाता करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में आने वाली चीज है ये सबसे ज्यादा कि चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है चालू खाते का घाटा CAD हमारा घट रहा है CAD हमारा बढ़ रहा है ठीक है
स्लिप मिलेगा।